जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा सोमवार 29 मार्च 2021 को द्वितीय पाठ का उत्सव है। श्रीनाथ जी प्रभु के व्रज से श्रीनाथ द्वारा पधारने के पश्चात फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात पाठोत्सव के दिवस को प्रभु वर्तमान मंदिर के सिद्ध होने तक मंदिर के बाहर खर्च भंडार में विराजे थे। तत्पश्चात आज के दिन प्रभु वर्तमान मंदिर में पाठ पर विराजित हुए थे, अतः आज के दिन को द्वितीय पाठ कहा जाता है। इस उत्सव का एक और भाव यह भी है कि बसंत पंचमी से डोलोत्सव तक व्रज भक्त प्रभु के साथ परस्पर सख्य भाव से होली खेलते हैं। व्रज राजकुमार प्रभु को प्रभु न मानते हुए अपने समान मानकर उनके साथ होली खेलते हैं, भगवा मांगते हैं, ओढ़निया ओढ़ाकर तथा विविध स्त्री वेश पहनाकर अपने साथ नचाते हैं। उन दिनों में ईश्वर भाव नहीं रहता है, अतः नंद राय जी आज के दिन प्रभु को पुनः पाट पर बिठाकर पूर्ववत नंद कुमार व्रज राजकुमार के रूप में स्थापित करते हैं। इस भाव से आज का यह उत्सव मनाया जाता है। इस संदर्भ में परमानंद दास जी ने गाया भी है, लाल नेक देखिए भवन हमारो, द्वितीय पाठ सिंहासन बैठे अविचल राज तुम्हारो। आज का उत्सव चंद्रावली जी की ओर का उत्सव है, अतः उनकी ओर से राजभोग में चैत्री गुलाब की फूल मंडली का मनोरथ होता है। आज से 10 दिन कुंज लीला यमुना जी के भाव की होती है, 10 दिन निकुंज लीला ललिता जी के भाव की होती है, 10 दिन निबिड़ निकुंज लीला चंद्रावली जी के भाव की एवं अंतिम 10 दिन निवृत्त निकुंज लीला स्वामिनी जी के भाव की होती है। इन 40 दिनों की निकुंज लीला के पश्चात श्री वल्लभाधीश जी का प्राकट्य होता है। निकुंज लीला के सुंदर पद इन दिनों गाए जाते हैं, नेक कुंज कृपा पर आइए सूरदास जी का पद, चलो किन देखन कुंज कुटी परमानंद दास जी का पद। इस प्रकार निकुंज लीला के सुंदर पद इन दिनों में गाए जाते हैं। आइए श्रीनाथ जी का आज का सेवा क्रम जानते हैं। शीतकाल की सेवा पूर्ण हो चुकी है, अतः आज से सेवा क्रम में काफी अंतर आ जाता है। प्रभु के सम्मुख धरी जाने वाली अंगीठी आज से नहीं रखी जाती है। गन्ने का रस, रतालू की चटनी, घी भरी पिंड खजूर, फलों में गन्ना, सूरण, अरबी और रतालू की सब्जी, सकड़ी और अनसकड़ी की, सभी प्रकार के गेहूं, मूंग दाल, चना दाल, बादाम, शकरकंद आदि के सीरा आदि शीतकाल की सामग्रियां आज से नहीं रोगाई जाती है। सिंहासन एवं पंखा आज से धरे जाते हैं। आज से अक्षय तृतीया तक चांदी का कुंजा धराया जाता है, तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। होली खेल के 40 दिनों तक जरी के वस्त्र, साज, हीरा, पन्ना, माणक, मोती एवं जड़ाव स्वर्ण के आभरण आदि नहीं धराए जाते हैं, जो कि आज से पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। आज से रंगीन साज, गादी, तकिया प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि रामनवमी तक चलेंगे। आज से गोपाष्टमी तक राजभोग धरे तब छाक के पद गाए जाते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को आज उत्सव होने के कारण पूजा करके हल्दी से लीपा जाता है और द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। आज सभी समय की आरती अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन की आरती थाली में की जाती है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला और फुलेल से अभ्यंग स्नान करवाया जाता है। आज विशेष रूप से प्रभु को दोहरा अभ्यंग अर्थात दो बार अभ्यंग कराया जाता है। आज प्रभु को नियम के सुनहरी जरी के चाकदार वाधगा और श्रीमस्तक पर हीरे के कूले पर सुनहरी घेरा धराया जाता है। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ या ग्वाल के भोग में चाशनी लगे पके गुंजा रोगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभु को दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग धराया जाता है। राजभोग में अनसकड़ी में दाख या किशमिश का रायता धराया जाता है। आज के श्रृंगार दर्शन में आज श्रीनाथ जी में फुलक शाही जरी के हरे हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी के ऊपर आज से सफेदी बड़ी करके अर्थात हटा दी जाती है। उत्सव के दिवसों में मखमल के गादी तकियों में सफेद बिछावट नहीं की जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है।
आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज सुनहरी जरी के बिना किनारी का सूथन चोली एवं चाकदार भागा धराए जाते हैं। पटका रुपहली जरी का धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में आज प्रभु श्री गोवर्धन धरण को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण मिलवा धराए जाते हैं अर्थात हीरे की प्रधानता के मोती माणक पन्ना एवं जड़ाव स्वर्ण के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर जड़ाव स्वर्ण के कूले के ऊपर सुनहरी जड़ाव का घेरा एवं बाई और शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरे के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाई और हीरे की चोटी धराई जाती है। नीचे सात पदक ऊपर हीरा पन्ना माणक मोती के हार और माला धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि माला जी भी धराई जाती है। आज चैत्री गुलाब के पुष्प की सुंदर थाक वाली वनमाला श्रीकंठ में सुशोभित की जाती है। ठाकुर जी के श्री हस्त में पुष्प छड़ी हीरे के वेणु जी एवं दोवेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उत्सव का आता है और गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी आज चार जाड़ की दिखाई जाती है। राजभोग के दर्शन में आज श्री जी में फूल मंडली आती है। आज से श्रीनाथ जी में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। जिस दिन फूल मंडली का मनोरथ हो उस दिन फूल मंडली के कीर्तन भी गाए जाते हैं। आज श्रीनाथ जी प्रभु को नियम का चैत्री गुलाब की मंडली में विराजमान किया जाता है अर्थात आज श्रीनाथ जी प्रभु में चैत्री गुलाब की मंडली आती है। विश्व प्रसिद्ध चैत्री गुलाब नाथ द्वारा के निकट हल्दीघाटी जो कि खमनौर गांव में स्थित है इसमें बहुतायत से पाए जाते हैं तथा इस पुष्प की विशेषता यह होती है कि यह केवल चैत्र मास में ही पल्लवित होते हैं। सामान्य गुलाब की तुलना में इनकी पत्तियां अधिक कोमल एवं अधिक सुगंध वाली होती है। श्रृंगार के समय धराई गई पिछवाई ग्वाल के बाद में बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली में श्रीनाथ जी प्रभु विराजमान होते हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु मंडली में ही विराजित होते हैं। मनोरथ के रूप में आज विविध सामग्रियों का भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े करके हल्के छेड़ान के आवरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरे के कूले को बड़ा करके लाल कूले धराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी वैष्णवों को श्रीनाथ जी के द्वितीय पाठ के उत्सव की खूब खूब बधाई। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक तत्काल प्राप्त हो सके। पुनश्च आप सभी को होली और द्वितीय पाठ के उत्सव की खूब खूब बधाई।